दिवसीय नेटबॉल प्रतियोगिता के ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 3 संभागों की टीमों ने हिस्सा लिया। इस ट्रेनिंग कैंप के बाद ये टीमें दुर्ग में होने वाली नेशनल प्रतियोगिता में खेलने जाएंगी। राष्ट्रीय साले क्रीड़ा प्रतियोगिता दुर्ग में 24 से 27 आयोजित की जा रही है, जिसका कैंप फ्री नेशनल कोचिंग कैंप अपने गांव में दिनांक 17 से लगाया गया था। इसमें बाहर के सतना रीवा के बच्चे हैं, उज्जैन के, इंदौर के, भोपाल के, ग्वालियर मतलब और गुना के बच्चे, सभी टीमों में और आदिवासी विकास प्राधिकरण जो है ना ट्राइबल का, उसके बच्चे भी इसमें शामिल हैं। 16 बच्चों का अपना कैंप लगा था, जिसमें से 12 बच्चे सिलेक्ट किए गए, बाकी के बच्चे जो रह गए नीचे स्टैंड बाई वाले जिनमें नहीं आ पाए उन्हें वापस कर दिया गया घरों के लिए। सर ये मतलब नेशनल खेलने जा रहा है, नेशनल खेलने जा रहा है, राज्य स्तरीय तो ये इसकी अपने यहीं पूर्व में जहाँ पर अपने मॉडर्न स्कूल में आयोजित की गई थी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता, उसके आधार पर इनका सिलेक्शन किया गया था, जिसका कैंप अभी अपने यहाँ 17 तारीख से लगा हुआ था, जो आज कल ख़त्म हो जाएगा। ये बच्चे कल टीम से रवाना हो जाएंगे, ट्रेन से दुर्ग वाली बच्चों की टीम के लिए जाएगी।